हेलो बच्चों, कक्षा चौथी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम से पाठ आठवां कौन पढ़ेंगे, जिसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में हमें एक शरारती जीव के बारे में बताया है, जिसका हमें इस कविता को पढ़कर उसका नाम बताना है, जो क्या करता है, कवि के घर में शरारत करता है। तो बच्चों, आज हम ये कविता पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे और ये जो कौन है इसका नाम भी पता करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं इस कविता को। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने साही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो कवि यहाँ पे बच्चों से पूछ रहे हैं कि किसने बटन हमारे कुतरे, किसने हमारे बटन को क्या किया है, कुतरे कुतरे यानी दांतों से काटना, किसने हमारे बटन को क्या किया है, दांतों से काटा है, और किसने हमारे शाही को क्या कर दिया है, बिखरा दिया है, शाही की जो बोतल होती है उसको गिरा दिया है, जिसके कारण क्या हो गया है, शाही बिखर गई है। तो कवि बच्चों से पूछते हैं कि ये शरारती जीव कौन है जो हमारे बटन कुतर रहा है और शाही को बिखरा दिया है, और कौन चट कर गया, चट यानी खा जाना, और कौन दुबक कर यानी छिप कर हमारा अनाज खा जा रहा है, हमारा अनाज क्या कर रहा है, चट कर जा रहा है, और क्या करता है वो, घर भर में अनाज बिखरा जाता है। तो कवि बच्चों से कहते हैं कि वो शरारती जीव कौन है जो हमारे घर में क्या करता है, अनाज बिखरा देता है, और क्या करता है, हमारा अनाज दुबक कर यानी छिप कर खा जाता है। फिर कवि कहते हैं कि हमने दोना, दोना यानी पत्ते से बना एक पात्र जिसमें मिठाई रखी हुई थी, वो कौन उठा ले जाता है, और दो टुकड़े जो तस्वीर रस्सी से टंगी हुई थी उस रस्सी को कौन काट जाता है, जिसके कारण तस्वीर यानी चित्र, जिसके कारण तस्वीर क्या हो गई है, उसके दो टुकड़े हो गए हैं। तो कवि यहाँ पे बच्चों से कहते हैं कि वो कौन शरारती जीव है जो हमारे घर में क्या करता है, शैतानी करता है। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाता छन्ने। फिर कवि यहाँ बच्चों से कहते हैं कि वो कौन शरारती है जो क्या करता है, कभी चप्पल कुतर जाता है तो कभी जूता कुतर जाता है, और फिर क्या करता है, कभी खलीता पर बरनाती, खलीता यानी थैली, तो थैली में क्या कर देता है, वो छेद कर देता है थैली को, खलीता को वो कुतरता है, जिसके कारण उसमें रखे हुए पैसे अनजाने यानी बिना जाने हुए क्या हो जाते हैं, उस थैली से पैसे गिर जाते हैं। और फिर कवि कहते हैं कि वो कौन है शैतानी जो क्या करता है, जिसने जिल्द काट डाली है, जिल्द यानी पुस्तक का कवर, तो क्या हो गया है, पुस्तक का कवर काट डालने से पोथी के पन्ने, पोथी यानी धार्मिक पुस्तक किताब जो होती है उसका उसने क्या किया है, कवर को अपने दांतों से काट डाला है, जिसके कारण उस पोथी के पन्ने बिखर गए हैं। और उस शरारती जीव ने क्या किया है, जो रोज कवि क्या करते थे, रोज टांगते थे धो धो कर उठा ले जाता छन्ने, छन्ने आने छानने का महीन कपड़ा, तो वो क्या करता था, कभी जो धोकर छन्ने टांगते थे उसको भी रोज उठा ले जाता था। तो कवि बच्चों से पूछते हैं कि वो कौन है उसका पता लगाओ। आगे देखते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। फिर कवि यहाँ पे बच्चों से कहते हैं कि वो क्या करता है,
कुतर कुतर कर कागज सारे, वो कागज को क्या करता है, कुतर जाता है और रद्दी से फिर क्या हो जाता है, घर भर जाता है। रद्दी यानी बेकार की वस्तुएं, बेकार के कागज, वो कागज को कुतर देता है जिसके कारण घर क्या हो जाता है, रद्दी से भर जाता है, बेकार चीजों से भर जाता है। और कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता है, और वो जो कौन कबाड़ी है, कबाड़ी कौन होता है, जो बेकार वस्तुओं का व्यापारी जो होता है उसको कबाड़ी कहते हैं। तो वो कौन कबाड़ी है जो क्या करता है, कूड़ा दुनिया भर का कूड़ा हमारे घर में डाल देता है और क्या करता है, फिर छुप जाता है। कवि बच्चों से कहते हैं कि वो क्या करता है, रद्दी यानी बेकार सी चीज़ों से, वस्तुओं से और कागज़ से क्या कर देता है, हमारा घर कूड़े से भर देता है। फिर कवि कहते हैं कि बच्चों से कहते हैं कवि, कौन वो रात भर गड़बड़ करता है, वो कौन है जो रात भर गड़बड़ करता है और हमें सोने नहीं देता, जिसके कारण हमारी नींद नहीं होती, वो क्या करता है, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, और वो खुरखुर की आवाज़ करते हुए क्या करता है, इधर उधर भागता है और खाने की चीज़ें यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है और फिर कोने में छिप जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी नींद नहीं होती, वो हमें रात भर सोने नहीं देता। उसके आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं, रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो कवि बच्चों से कहते हैं कि जो रात भर क्या करता रहता है, जागता रहता है, वो शरारती जीव क्या करता है, रात भर जागता रहता है और खुरखुर खुरखुर की आवाज किए हुए इधर उधर धाता है। धाता यानी भागना दौड़ना, जो खुरखुर की आवाज करते हुए इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो बच्चों इसका नाम बताओ, जो क्या करता है, शरारत यानी शैतानी कर रहा है। तो कवि बच्चों से कहते हैं कि बच्चों उसका नाम बताओ, जो क्या करता है, शरारत करता है, हमारे घर में शैतानी करता है। तो कवि ने बच्चों से पूछा है इसका नाम, क्या आप बता सकते हो वो कौन है जो कवि के घर में शरारत कर रहा है। हाँ, तो वो है चूहा। तो बच्चों आज हमने कौन इस कविता को पढ़ा है, इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।